नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई है और आज का प्रमुख करंट अफेयर है कि हाल ही में लोक लेखा समिति का किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो विपक्षी दल के नेता हैं। बता दें कि इनको एक वर्ष के लिए चुना गया है। लोक लेखा समिति यह सदन की सबसे पुरानी समिति होती है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्य 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। लोक लेखा समिति के उद्देश्य, इस समिति का उद्देश्य होता है कि भारत सरकार के खजाने में से खर्च किया गया पैसा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है कि नहीं, ये जानकारी करना होता है। और उसी प्रयोजन से खर्च किया गया है जिस प्रयोजन से इसको प्रदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान व्यक्ति जलमाए खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? तो बता दें, ये अमेरिका के विशेष दूत हैं। जलमाए खलीलजाद अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत हैं। ये भारत इसलिए आए थे कि भारत आकर अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी शांति के लिए, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चर्चा करने के लिए ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 400 मिलियन डॉलर सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी अफगानिस्तान को दी है। बता दें, अब हम विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, लेकिन ये प्रभाव 1945 में आया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसके अध्यक्ष डेविस मलपास हैं और इसके एमडी एम सीईओ अंशुला कांत हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। वहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं। संसद नेशनल असेंबली है, जिसको शोरा भी कहा जाता है, और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार लगभग कितने करोड़ तक पहुँच गया? तो ये बता दें, 90,000 करोड़ तक ये पहुँच गया। इस कारोबार में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 19% से भी ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो बता दें कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान में भारत के बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। मौजूदा समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघों की संख्या है? मध्य प्रदेश राज्य में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कमजोर देशों के लिए सहायता राशि 2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर इतना कर दिया है? तो बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने ये सहायता राशि 6.7 बिलियन डॉलर कर दिया है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आधिकारिक भाषा 6 है, अरब, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश।
इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देश की संख्या 193 है तथा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसे नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच होगा। इसका बता दें कि इसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा और स्पेन के कैरोलिना मारिन स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? तो वो राज्य है असम। असम के और असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित जियांग प्रांत के एक गांव में इस बुखार की शुरुआत को देखा गया था। अभी तक इस बुखार की चपेट में 3000 से अधिक जानवर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 के अनुसार इस साल ऊर्जा की मांग में कितने % की गिरावट आने की उम्मीद है? तो इस साल 6% गिरावट आने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण सभी ईंधनों की मांगों में भारी गिरावट आएगी, जिसके चलते तेल की मांग में 9% गिरावट आने की उम्मीद है, कोयले की मांग में 8% की गिरावट आने की उम्मीद है और परमाणु ऊर्जा की मांग में 3% की कमी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। मातृ दिवस की शुरुआत 1908 में वर्जीनिया में हुई थी और इसको आधुनिक रूप से इस दिन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर। इसी तरह और भी करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे चैनल को